समीक्षा के बाद बीपीएससी की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाएगा। बिना साक्ष्य रद्द नहीं होगी परीक्षा। ईओयू से ठोस सबूत अब मांग लिए गए हैं। ईओयू की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया गया है। बीपीएससी ने ईओयू पर सवाल उठाए हैं। पेपर लीक का नहीं है कोई भी प्रमाण, बीपीएससी ये कह रही है, और जब तक ठोस साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे परीक्षा रद्द नहीं होगी। पटना संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, अब ये माना जाए कि बीपीएससी जो दावा कर रही थी कि फुल प्रूफ परीक्षा हम लेते हैं, उस बात पर अब वो अड़ी गए कि भाई हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि अब बिहार सरकार ने जो एक तरह से जो बीपीएससी है, जो आयोग है, सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी है, और उसके साथ साथ जो आर्थिक अपराध इकाई है, दोनों के बीच अब जो है मतभेद दिख रहा है, क्योंकि लगातार आज उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बीपीएससी के नए चेयरमैन जो है रवि मनुभाई परमार, उन्होंने बैठक की, और बैठक में जो समीक्षा की गई उसमें ये पाया गया है कि जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल जो जब्त किया है हजारीबाग से, वो परीक्षा शुरू होने से पहले, लेकिन जो रिपोर्ट दी गई है बीपीएससी को, जानकारी दी गई है, वो परीक्षा के दिन यानी 15 मार्च को 2:30 बजे में, तब तक बीपीएससी कहना है कि 12 बजे तक परीक्षा खत्म हो गई थी। ऐसे में बीपीएससी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है। अब बीपीएससी ने फिर से आर्थिक अपराध इकाई से साक्ष्य मांग दिया है कि पूरे ठोस साक्ष्य मिलने के बाद ही परीक्षा रद्द होगी। ऐसे में जो बिहार के अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षा दिया था, तो वो अब कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं आयोग के रवैये से, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं मेरिट का कत्ल हो जाएगा अगर जो है परीक्षा रद्द नहीं होती है, क्योंकि लीक को लेकर जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने जो सबूत दिए हैं और जिस प्रकार से एडमिट कार्ड के ऊपर जो है एक तरह से आंसर लिखा हुआ है, ये तमाम चीज वायरल होने के बाद अब अभ्यर्थी जो है अब नाराज है और राजनीति भी तेज हो गई है। रजनीश जरा ये बताइए जो बीपीएससी बार बार कह रही है कि ठोस सबूत दीजिए, ईओयू की तरफ से सबूत रखे गए हैं, ठोस सबूत बीपीएससी किसे मान रही है, किस तरह का ठोस सबूत उसे चाहिए? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीपीएससी के जो सचिव हैं या अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि जब आर्थिक अपराध इकाई की जानकारी मिल रही है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या सॉल्वर गैंग जो है हजारीबाग में जो है उत्तर हटाने के लिए जो है तैयारी किया था, जब पुलिस की रडार पर ऐसे सॉल्वर गैंग थे, तब आयोग को सूचना परीक्षा से पहले क्यों नहीं दी गई? जब परीक्षा खत्म हो जाती है और 2:30 बजे सूचना मिलती है आयोग को, यानी 12 बजे के बाद 2:30 बजे के जो है सूचना मिलती है, ऐसे में किसी भी स्तर से ये लीक बीपीएससी नहीं मान रहा है, तो आर्थिक अपराध इकाई और बीपीएससी दोनों के जो बीच है कहीं ना कहीं अब तालमेल का अभाव दिख रहा है, और अब आर्थिक अपराध इकाई जो है किस प्रकार का ठोस साक्ष्य देगा बीपीएससी को, ये डिपेंड करता है। लेकिन उबाल शुरू हो गया है, जो अभ्यर्थी है लाखों की संख्या में जो टीचर बनने के लिए इम्तिहान दिए थे, तो ऐसे में ये मानकर चाहिए रजनीश की जो कहा जा रहा था कि भाई अगले 24 घंटे में ये परीक्षा रद्द हो जाएगी, अब उस पर भी संशय है, पहले तो परीक्षा रद्द होती है या नहीं होती है, ये सब कुछ अब ईओयू और बीपीएससी के बीच साक्ष्यों पर जाकर टिक गया है। बिल्कुल, देखिए सब कुछ जो है एविडेंस पर है, और हालांकि जो प्राइमा फेसी देखा जाए, जो सरकमस्टेंसेज है उसके आधार पर जो रिपोर्ट है वो पर्याप्त है, अगर आयोग चाहे तो इसी आधार पर परीक्षा को रद्द कर सकता है। लेकिन आयोग का साफ कहना है कि इस साक्ष्य को हम नहीं मान रहे हैं, और कथित रूप से लीक की बात कही जा रही है, कथित बार बार जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें लिखा जा रहा है, यानी जो आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उसको आयोग जो है साफ तौर से खारिज कर रहा है। तो अब इंतजार करना होगा कि आखिर जो आर्थिक अपराध इकाई है साइबर अपराध जो है वो अब क्या रिपोर्ट जारी करती है, क्या साक्ष्य इकट्ठा करती है, और बीपीएससी का एक्शन क्या होगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है साफ तौर से कह रहे हैं परीक्षा रद्द, क्योंकि इस परीक्षा के बाद जो मेरिट वाले हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। दीवा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कहीं ना कहीं बीपीएससी और ईओयू के बीच साक्ष्यों को लेकर इस वक्त द्वंद जो है वो नजर आती है। अब देखना होगा कि साक्ष्य किस रूप में दिए जाते हैं, बीपीएससी फैसला क्या लेती है। हालांकि जो अभ्यर्थी है वो ये जरूर कह रहे हैं कि भाई जो मेहनती है, जिन्होंने मेहनत की थी, उनके साथ अन्याय ना हो। इधर पेपर लीक कांड पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर ही निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए की सरकार आते ही पेपर लीक शुरू हो गया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 17 महीने वे सरकार में रहे लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हम
महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? नीचे और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, एक पेपर लीक हुआ तो बता दो। लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक, भाजपा का जवान राज रहा, वहाँ पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक। लगाया है कि पेपर लीक मामला जो हुआ जीकेसी का, वो बीजेपी की तरफ से कराया गया है, क्योंकि 17 महीनों में दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। तो देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 का पेपर लीक होता है। हालांकि अब तो बीपीएससी ये कह रही है कि भाई जब तक साक्ष्य नहीं दीजिएगा तब तक परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि परीक्षा के जो पेपर लीक हुए वो परीक्षा रद्द होती है या नहीं होती है। लेकिन ये इस पूरे बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 के पेपर लीक को लेकर 15 मार्च को शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई, पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था। प्रश्न पत्र का मिलान किया क्या तो प्रश्न पत्र जो है वो हूबहू एक जैसे ही पाए गए, यानी कि जो पेपर लीक हुआ वो और जिन परीक्षाओं में बैठे अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा वो हूबहू एक ही थे। 13 मार्च को ही ईओयू को इसकी जानकारी मिली थी। अब गड़बड़ी की सूचना जैसे ही ईओयू को मिली 13 मार्च को ही, तो बीपीएससी ये कह रहा कि भाई मुझे ये जानकारी क्यों नहीं दी गई। प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिए गए थे। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए बताया कि ये उपलब्ध कराए गए थे और प्रति अभ्यर्थी यानी कि एक एक अभ्यर्थी से इस प्रश्न पत्र के जवाब के बदले में 10 लाख रुपए की डील तय की गई थी। इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास उपलब्ध हैं। जानकारी के बाद बिहार ईओयू हजारीबाग पुलिस के साथ मिलकर दबिश देती है और हजारीबाग से ही 5 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार भी किया गया। हजारीबाग के होटल में ये सभी के सभी परीक्षार्थी जो हैं वो ठहरे हुए थे, प्रश्न पत्र देकर हल करवा रहे थे ये सॉल्वर गैंग के जो सभी लोग यहां मौजूद थे। झारखंड से गिरफ्तार 313 अभ्यर्थियों को पटना लाया गया। पटना लाने के बाद इन सभी को बसों में भरकर जब पटना पहुंचाया गया तो ये गिरफ्तार अभ्यर्थियों को सबसे पहले सिविल कोर्ट में पेश किया गया। विशेष अदालत में सभी की पेशी होती है और पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है, जिसमें 88 महिलाएं भी शामिल हैं। सिर्फ पुरुष इसमें नहीं है, सॉल्वर गैंग में महिलाओं की भी संलिप्त